हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियो प्रियो हंसते हंसते कटर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ वैक्सीनेशन के लिए जानीपुर हेल्थ सेंटर में, और यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइंस लगी हुई हैं। यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है और पता नहीं कब तक हमारा जो है ये टर्न हमारी आती है। और धूप जो है बहुत ही ज़्यादा है और टॉलरेट नहीं की जा रही है, बट फिर भी हमें करना है क्योंकि वैक्सीन लगा के ही जाना है, ऐसे तो जाना नहीं है। धीरे धीरे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और अभी हो रही है 10:30। टाइम क्या हो रहा है? अभी 10:52 हो रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि कब तक हमारा जो है वैक्सीनेशन होता है, कि अभी तो लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी होगा। काश ठंड का मौसम होता और ये धूप हम इंजॉय करते। यही बैठी है ना वो भी? अभी भी हम वेट ही कर रहे हैं, बट मुझे लगता है नंबर आने ही वाला है बस थोड़ी देर में, क्योंकि इतनी सी लाइन रह गई है। फिर हम यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ से जंप करके बाहर आना है, कुछ ऐसा ही है ना, इंटरेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, रीज़न पता चल गया इतनी लेट होने का, मतलब इतनी देर क्यों लग रही है, क्योंकि ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वैक्सीन वहाँ ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए लोग हम सब लोग वेट कर रहे थे। अब वैक्सीन आ गई है तो शायद जल्दी ही हो जाए। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों को तो चक्कर भी आ रहा है, शायद यहाँ पे एक पानी का भी फैसिलिटी होनी चाहिए थी, तब तक हम पानी पी लेते। बट पानी लेके ही आइएगा, अगर आप आओगे तो पानी लेके ही आना, और हो सकता है कि वेट करना पड़ जाए। स्टिल पीपल आर कमिंग, और मुझे कोई मिल जाए जिसे पूछूं कि आपका पेन तो नहीं हुआ, बट अभी तक मैंने किसी से पूछा नहीं। स्टिल वेटिंग, थोड़ा सही रह गया आपको दिखाऊंगी। यहाँ से हमें अंदर जाना है, तो से लग रहा है कि बस थोड़ा सा ही टाइम लगने वाला है। अरे यार, शराफत का तो कोई जमाना ही नहीं है, हम कब से लाइन में खड़े हैं और यहाँ पीछे से लोग आ रहे हैं और आराम से जा रहे हैं। देखा शराफत का, अगर हम शराफत से खड़े हैं फिर भी हमें मतलब यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, और जो पीछे से आ रहे हैं वो जा रहे हैं, क्या कमाल है देखो। और जब आप लोग आएंगे ना, तो इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना कि कोई पीछे से आके आगे ना चले जाए, अपने टर्न पे ही जाओ। हम तो कुछ बोल नहीं पाए फिलहाल, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा नंबर आने ही वाला है, बट फिर भी हमें मुझे लगता है कि घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि अगर पीछे से आते रहेंगे तो जो लाइन में खड़े हैं वो बेचारे तो ऐसे ही खड़े रह जाएंगे ना। पीपल हैव टू रेज अ वॉइस, एक किस्म की तो एक्सपेक्टेशन ही हो गई और क्या, क्योंकि कब से खड़े हैं और स्वेटिंग हो रही है। सो कम से कम खड़े होने की प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई और आता है और बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं, सो वो चीज़ जो है बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जानी चाहिए। सी ये कुछ लोग पीछे से ही भी आए हैं, और वही तो अभी हम लड़ने के मूड में नहीं हैं, सो अभी हम चुप रह रहे हैं, क्योंकि लेट देम गो। या यू आर राइट, ये देखो ये जा रही है जो। दस बजे के बाद अब ये यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो सारे वेट कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं आपका हो गया? मेरा तो नहीं हुआ, पर कुछ कंप्लेंट कर रहे हैं ना लोग कि पीछे से लोग आ रहे हैं। देखो अभी भी आपको दिखा सकते हैं हम, ये देखो यहाँ पे कोई रोकने वाला क्यों नहीं है इसको, नहीं तो वो बोलने वो लड़ने लगे, लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे यही था, लड़ाई भी शुरू हो गई। देखो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, अंदर चल रही है गुस्सम गुस्सी कह सकते हैं, या फिर हसल बसल, और पता नहीं कुछ ही पल में क्या हो जाए और हमारा नंबर ये ना हो कि कैंसिल हो जाए, इसलिए मैं चुप रहती हूँ अभी फिलहाल। समझती
हो जाएगा अभी अंदर है कि दो मिनट लग रहे हैं लगा हम तो दो घंटे से खड़े हैं दो मिनट वी हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर टू आवर्स थ्री पीपल आर सेइंग दो मिनट लगेंगे आठ लोग एकदम जाते हैं अच्छे दो मिनट देखो ये है वैक्सीनेशन का सच फोन किया फिर अंदर से नाम से बुला लेते हैं फिर जैसा मम्मी नहीं होने कहेंगे है कोई यहाँ से बता आ जाओ आपकी कोई कंप्लेंट कंप्लेंट यही है जो आप भी देख रहे हैं कि यहाँ बैक डोर एंट्रीज हो रही हैं बिंग वन डोर सिंगल डोर मतलब फ्रंट डोर एंट्री हो रही है आप कब से खड़े हैं यहाँ पे तो अबाउट टू आवर्स हो गए हमें यहाँ पे खड़े हुए तो और यहाँ चिल्ला रहे हैं कि ये बाहर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है क्या ऐसा कुछ नहीं अभी हम भी नहीं पूछ पा रहे क्योंकि हम यहाँ के सिटीजन है तो हमारे पास तो राइट है हम पूछ सकते हैं ना हम पूछ सकते हैं बट पूछने के लिए वो एंट्री हमें अंदर कौन जहाँ अंदर जाने ही नहीं दे रहे अगर अंदर नहीं ऐसा भी मैंने सुना है कि मतलब कुछ बोलेंगे अगर आप कई लोग उससे भी डरते हैं क्या आप उससे भी डरते हो नहीं मैं तो डरती हूँ मुझे लड़ाई से बिल्कुल डर लड़ाई नहीं अगर हमें अपना बोलना पड़ेगा तो कुछ भी एक पेन की जो ताकत है वो सबसे बड़ी है बस यही है कि माहौल खराब नहीं करना चाहिए ये हमारा अपना लोकल एरिया है हम सभी एक ही एरिया के हैं लोकलिटी के हैं जी जी तो इसीलिए हम थोड़ा इसको ऐसे एज अ फन ले रहे हैं कि कोई जा रहा है कोई आ रहा है अब कुछ ही मुझे लगता है कुछ ही मिनट्स में आपका नंबर तो आ ही सकता है ना मिनट तो नहीं हम कह सकते हैं मतलब 1 आवर तो 1 आवर और मेरे को तो यहाँ पे कुछ कम ही लोग लग रहे हैं 3-4 अच्छा बैक डोर से आ रही है इसलिए आप कह रहे हो ओके ओके अब इनका नंबर आएगा और फिर हमारा अब लोग दोस्त में आ गए हैं भैया हो लोग सुनते भी नहीं है नहीं कर रहे नहीं तो भैया आपको पेन तो नहीं हुई लगाने के बाद अच्छा आपका फर्स्ट डोज होगा ना ठीक है चलो मुझे लगता है कि मेरी टर्न आ चुकी है आपका भी है ना देखो यहाँ पर लोग हमें कह रहे हैं कि पेशेंस रखने चाहिए ये पेशेंस रखेंगे कि हम 2 घंटे से खड़े हैं 3 घंटे से और बाकी के लोग आए जा रहे हैं और हम पे मतलब ये गुस्सा दिखा रहे हैं कि भाई तुम लोग क्यों बोल रहे हो पेशेंस रखो मतलब इससे लोग आ जाते हैं प्रेस करने के लिए भाई पेशेंस रखो पेशेंस बैक डोर एंट्रीज हो रही है पेशेंस रखो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे तो मत एक्सपेक्ट करो भैया देखो कितना रश है और पेशेंस रखिए पेशेंस तो अपने लिए रखेगा ना वही पेशेंस होती है जो आप खड़े हो वो पेशेंस नहीं है क्या ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं कि भाई कुछ भी बोल दे कोई और सहलो कोई बैकडोर एंट्रीज हो रही है सहलो पेशेंस ये क्या होती है भाई आप लोगों को ही बोलना होगा अब हम अपने लाइन में खड़े हैं फिर भी मुझे कोई बंदा आके कह रहा है कि पेशेंस रख बोलना ही क्यों है यहाँ पे जानवर खड़े हैं क्या हम यहाँ पे अब देखते हैं हम अंदर तो आ चुके हैं रजिस्ट्रेशन अपनी हम दिखा रहे हैं कि हमने किया हुआ है और देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या है ये डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे है और ये हमारा आधार कार्ड चेक करेंगे और फिर हमें ये बताएंगे सविता का पूरा सविता सुप्रिया मोबाइल नंबर बोलो इनको ये हमें यहाँ से मिला है अब हमें इंजेक्शन लगाना है चलो क्या मैं ले रही हूँ वैसे ऑलरेडी
ये लो सो फाइनली ये हो भी गया। इतना छोटा सा प्रोसीजर था, मुझे पता भी नहीं था इतना मजा आने वाला है। ऐसा लगा कि किसी ने कुछ छोटा सा प्रिक किया है। बच्चे भी अगर कोई नाखून अपना लगा देते थे वो भी ज्यादा होता। ये तो बहुत ही अच्छा था, थैंक गॉड। यार जो सोच के रखा था कि पता नहीं कितनी पेन होने वाली है, मैं तो नहीं लगाऊंगा कभी भी, मैं तो ऐसी बातें करती थी, बट आज अभी जब आई मुझे पता भी नहीं चला मेरा हो भी गया। चलो थैंक गॉड। हम लोग भी लेट कर रहे हैं यहाँ पे आफ्टर वैक्सीनेशन। दे आर वेटिंग कि डॉक्टर्स ने इनको ऐसा कहा है, सो ये वेट कर रहे हैं। बट मैंने सबसे पूछा और सबने यही कहा कोई पेन नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और क्या है कि घर जाना है और डॉक्टर्स ने बोला कि वाटरमेलन जो है वो खाओ, खूब सारा पानी पियो, वाटरमेलन खाओ। और अगर फीवर हो जाए तो एक टेबलेट आती है जिसका नाम है डोलो कुछ करते हैं, और आप प्लीज़ वो ले लीजिए। सो फ्रेंड्स हम इस बार जा रही हूँ घर, और रास्ते में हम लेंगे वाटरमेलन। सो वाटरमेलन खाएंगे घर जाके और आपको बताते हैं कि कुछ फीवर तो नहीं हो गया मुझे, वैसे तो नहीं होना चाहिए। बाय, अभी के लिए बाय। मैं यहाँ पे आई हूँ फ्रूट्स लेने, वाटरमेलन लेके चलते हैं। वाटरमेलन ले लेते हैं, फ्रूट्स काफी फ्रेश लग रहे हैं। देखिए काफी फ्रेश लग रहे हैं, और वाटरमेलन हमारा जल्दी से भैया दे दो, क्योंकि अभी हमने वैक्सीनेशन करवाई है तो वाटरमेलन तो हमें जल्दी जल्दी खाना है। काफी फ्रेश लग रही है। ये कितने हैं, 100 रुपए हैं बिल्कुल। सारी डाल दे यार, ले 100 रुपए देखते हैं। मैंगो तो गर्म होते हैं, अभी नहीं खाने चाहिए। नींबू ले लेने चाहिए और वाटरमेलन दो भैया, देना जल्दी। तरबूज तो अभी भी ना, पे भी हमारा नंबर नहीं आ रहा। माल्टा का छटा लगा, माल्टा गाय गेट बताया मैंने गलत हुआ, काम लेना है ज्यादा। ठीक है, ये भी छोटा।